तो ये व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप अपनी रील्स को वायरल करना चाहते हो पर आपकी रील्स वायरल नहीं होती है, आपने सारे हथकंडे अपना चुके हैं भाई, आपने ट्रेंडिंग हैशटैग लगा दी, ट्रेंडिंग ओडिसो लगा दी, आपने सब कुछ कर लिया है पर उसके बाद भी आपकी रील्स वायरल नहीं होती है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम। यानी कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको सभी को पता होगा, महीने में कम से कम 4 बार बदलता है। यदि आप इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम समझ जाते हो तो यार कोई भी इंस्टाग्राम की रील्स वायरल कर सकता है। या इंस्टाग्राम की जो भी एल्गोरिदम होता है वो हफ्ते दर यहाँ से बदलता रहता है, जिससे कोई भी यहाँ से इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम हैक ना कर पाए। तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपको कैसे समझना पड़ेगा वो आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आप समझ जाते हो तो यहाँ से आप अपने अकाउंट की जो ऑडियंस रिटेंशन है, जो सबसे मेन पॉइंट होता है इंस्टाग्राम की रील्स वायरल करने के लिए, आप उसको ईजिली यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं। वो क्या क्या मेथड होने वाले, क्या क्या ट्रिक होने वाली है जिससे आप अपने रील्स को वायरल कर सको, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देख लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे जरूर से सेट कर लेना है। क्योंकि आप सब्सक्राइब तो करते हो, बेल आइकन ऑल पे सेट नहीं करते हो, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आती है आपके पास नहीं पहुंचती है, तो आपको नोटिफिकेशन जरूर से ऑल कर लेना है। दोस्तों करें स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रील्स वायरल करने की ट्रिक को समझने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यार रील्स वायरल करने के लिए। सबसे पहले तो आपको सभी को बता होगा, आप यूट्यूब पर सर्च करते हो कोई एंगेजमेंट बताता है, कोई ऑडियंस रिटेंशन बताता है, कोई हैशटैग बताता है, कोई कैप्शन बताता है, कोई यहाँ से थंबनेल बताता है, आपको उसमें कुछ भी यहाँ से समझना नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट जो आता है जो आपकी रील्स वायरल करता है वो आता है ऑडियंस रिटेंशन। यदि आपका ऑडियंस रिटेंशन सबसे अच्छा होता है, यानी कि आपको सभी को होता है, यदि कोई यूट्यूब पर वीडियो भी डाल रहा है उसका ऑडियंस रिटेंशन यानी कि 10% है, तो यहां से समझ लेना उसकी रील्स पर व्यूज अच्छे खासे आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपनी रील्स को अपलोड करते हो, अपलोड करने के बाद यदि आपकी रील्स वायरल नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, उसकी इनसाइड में जाना है। इनसाइड में जाने के बाद आपको यह चेक करना है कि उसका ऑडियंस रिटेंशन कैसा है। यदि उसका ऑडियंस रिटेंशन डाउन चल रहा है, यहां से 3-4% ही है, तो आपको क्या करना है, तुरंत उसका कैप्शन वगैरह यहां से चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद आपको हैशटैग वगैरह सब दोबारा यहां से उसको कॉपी नहीं करना है, जो आपने हैशटैग पहले डाले थे उसके अपोजिट डालने हैं, यानी कि कोई भी ऐसा कैप्शन या हैशटैग नहीं होने चाहिए जो यहाँ से आपने पहले डाले थे। फिर आपको क्या करना है, उसका थंबनेल वगैरह सब लगा लेना है, आपको अपलोड कर देना है, उसको दोबारा अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जो भी आपका ऑडियंस रिटेंशन होगा, जो पहले अच्छा नहीं आ रहा था, वो डेफिनेटली यहाँ से दोबारा अपलोड करने के बाद आपका ऑडियंस रिटेंशन एटलीस्ट यहाँ से अप हो जाएगा, और यहाँ से 9-10% तो आ ही जाएगा। यदि आपका 9% या 8% भी आ जाता है तो डेफिनेटली आप अपने रील्स को वायरल कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हमको आपको ये तो पता चल गया कि क्या इंपॉर्टेंट होता है आपकी रील्स वायरल करने के लिए। फिलहाल हम ये बात करते हैं कि जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है फिलहाल जो प्रेजेंट में चल रहा है उससे आप अपने रील्स को कैसे वायरल करोगे। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ से आपने रील्स देखी होगी, आपने देखा होगा कि सब क्या करते हैं, रील्स और यहाँ से कमेंट या व्यूज़ के चक्कर में भागते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, कुछ ऐसा कंटेंट बनाना है या आपको कंटेंट ऐसे क्रिएट करना है जिससे कि यहाँ से आपका जो भी बंदे के पास आपकी रील्स है वो तुरंत शेयर करे और यहाँ से उसको कमेंट भी करे। क्योंकि जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है हमारा रील्स वायरल करने के लिए, जो प्रेजेंट में यहाँ से इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम चल रहा है, वो ज़्यादातर यहाँ से आपको कमेंट और यहाँ से आपका जो शेयर करते हैं, ये दोनों चीज़ों पर यहाँ से डिपेंड करता है आपकी रील्स वायरल होगी या नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कोई ऐसा कॉन्टेंट बनाना है जो लोगों के पास एकदम आते ही उसको दोबारा यहाँ से शेयर करें। दोस्तों आपको कंटेंट ऐसा बनाना है जो यहाँ से जिसके पास भी जाए वो दूसरों के पास यहाँ से शेयर जरूर करें। यदि आपका दूसरे का अकाउंट यहाँ शेयर हो जाता है तो डेफिनेटली जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो लोगों के पास ऑटोमेटिकली यहाँ से रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ से आपकी रील्स बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको वायरल करने से यार कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये दोनों तरीका आप अपने अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको ऑडियंस रिटेंशन होता है आपकी रील्स वायरल करने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो सुनोली, और जो भी आपके डाउट होते हैं रील्स वायरल करने के लिए थी और यहाँ से आपका एल्गोरिदम कैसे काम करता है वो सारा आपका यहाँ से फंडा समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो सुनोली हेल्पफुल लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक्स एंड टिप्स के साथ। टेक केयर एंड बाय।